यात्रा न्याय वाली होने वाली है या नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से अगर हम बात करें भारत न्याय यात्रा की, तो राहुल गांधी इस बार मणिपुर से मुंबई तक चलने वाले हैं। इस यात्रा का आखिरकार मकसद क्या है, किस तरह से ये यात्रा आगे जुड़ेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों से इस यात्रा का आगाज होगा। यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से ऐलान कर चुके हैं, यानी यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना करेंगे। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर 6200 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाएगा। हालांकि यात्रा बस के जरिए होगी, लेकिन कहीं कहीं पैदल भी सफर होगा। कांग्रेस इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण करार दे रही है। इधर भाजपा ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है, यात्रा के भाजपा को कोई फर्क हालांकि इससे पड़ेगा नहीं। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब न्याय यात्रा की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की यात्राओं का हश्र हमने पहले भी देखा है। थोड़े दिन पूर्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकली थी और उसके बाद 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, राजस्थान कांग्रेस से हाथ से चली गई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से चली गई, और इसलिए कांग्रेस पार्टी की यात्राओं का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर हो गई है। तो क्या खास होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाया जाएगा, आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत होगी और यात्रा 20 मार्च को जाकर मुंबई में खत्म भी जाएगी। यानी 14 राज्यों के 85 जिले ऐसे हैं जहां पर ये यात्रा शुरू होने वाली, यानी मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस बार ये यात्रा गुजरेगी। यानी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता, और सबसे पहले सवाल यही कि अब न्याय यात्रा होने वाली, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरीके से कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस यात्रा का मकसद है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हुई और अब ये न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कितना इफेक्ट और कितना फायदा? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है श्वेता जी, आपकी अपनी मीमांसाएं हो सकती हैं, आपकी अपनी मीमांसाएं जो है मैं धनात्मक ऊर्जा देती हैं, लेकिन हमारी पहली यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक थी, वो यात्रा हो चाहे न्याय यात्रा हो, ये दोनों आर्थिक विषमताओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, इन सब चीजों से समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए थी। पहले भी ये यात्रा इसी तरीके और इस बार भी, इन यात्राओं से चुनाव का कोई मतलब नहीं है। हाँ, चुनाव में अगर लोगों की जागृति होती है और उस चुनाव में लाभ देते तो उससे मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले भी हमने देश को बनाने के लिए यात्रा की थी और इस बार भी हम देश को बनाने और संविधान को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। सुरेंद्र जी, पिछली बार जब यात्रा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा, तो ये कहा गया कि मकसद यही है कि घृणा नफरत को दूर किया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस बार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा? क्या वो मकसद भारत जोड़ो यात्रा का वो पूरा हुआ? क्या लोग इस नफरत या घृणा से दूर हुए? देखिए, कम तो हुआ ही, और आज की डेट में अगर खत्म हो गया होता तो निश्चित तौर पर दूसरी यात्रा निकाले जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये लड़ाई जो है सुर और असुर संग्राम के तरीके से है, बुराई और भलाई की लड़ाई के रूप में है। जब तक बुराई पूर्ण तरीके से नहीं हारेगी तब तक इस तरीके की यात्राओं की आवश्यकता भी पड़ती रहेगी और ऐसी यात्राएं होती भी रहेंगी। पिछली बार की यात्रा में श्री राहुल गांधी जी अगर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए तो निश्चित तौर पर एक प्रेम का, भाईचारे का, समानता का ही संदेश दिया, उन्होंने कहीं विभाजन की तो बात की नहीं। और इस बार भी अगर न्याय यात्रा हो रही, देखिए आप मणिपुर जल रहा है श्वेता, आप खुद महिला हैं, जिस तरीके से वहाँ महिलाओं के प्रति अनाचार दुराचार हुआ है,
तो क्या आप उसको किसी भी सूरत में सह सकती? नहीं सह सकती, आपके लिए भी वो अन्याय है। इस तरीके से और जगहों पर महिलाओं के प्रति, चाहे समाज के अन्य बच्चों के प्रति या किसी और वर्ग के प्रति जो अन्याय हो रहा है, अगर उसके लिए न्याय की यात्रा निकाली जाए, मणिपुर की महिलाओं के लिए न्याय की यात्रा निकाली जाए, हमारी पहलवान महिलाओं के लिए न्याय की यात्रा निकाली जाए, तो मेरे ख्याल से सभी को समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो ये कह रही है बीजेपी, कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये भी कह रही है बीजेपी कि उन क्षेत्रों में लीड बनाने की कोशिश है जहां पर अभी विधानसभा चुनाव में बढ़त नहीं मिली, यानी उन उन जिलों से गुजरेगी, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले तो यही बात कहेंगे, क्योंकि वो आज की डेट में सत्ता के अहंकार और अभिमान में, उनको जनता की मुफलिसी नहीं दिखाई दे रही, उनको जनता की बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, अग्निवीर से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं दिखाई दे रही, साक्षी मलिक का विरोध नहीं दिखाई दे रहा, मणिपुर की महिलाएं नहीं दिखाई दे रही हैं उनको, उनको केंद्र जनित महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, उनको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, उनको तो सब कुछ चंगा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी और अडानी को इस वक्त रोजगार मिला हुआ है, बाकी सब लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, ये अपनी जगह पर है सुरेंद्र जी। लेकिन सवाल यही कि मणिपुर से शुरुआत होगी तो किस तरह से लोगों के बीच पहुंचेंगे, न्याय की बात हो रही है तो किस तरह का न्याय दिलाया जाएगा, क्या लोगों को किस तरह से एकजुट करने की तैयारी में है कांग्रेस, कैसे उन तक पहुंचेगी, और क्या न्याय की दरकार लगाए बैठे हैं कुछ लोग, उनको कैसे न्याय दिलाने की कोशिश करेगी? हम तो आज भी कोशिश कर रहे हैं, यात्रा के जरिए पब्लिक को भी जागरूक करेंगे, और आप जैसे जो आपके जो साथी मीडिया है वाले लोग हैं उनके जरिए भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, और उन गोदी मीडिया वालों को भी जागरूक कराने की कोशिश करेंगे जो आंख बंद किए बैठे हुए हैं इन व्याप्त समस्याओं से। हम तो जागृत कर सकते हैं, और जो अन्याय जो जिन लोगों के साथ हुआ उनके साथ खड़े होकर के उनके घावों पर मरहम लगा सकते हैं, और समय आने पर जब समाज सत्ता और व्यवस्था का परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर सभी को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करें, निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम होगा। लेकिन पहली यात्रा को अगर हम देखें, 60 दिन और 3500 किलोमीटर की यात्रा तय की गई, और ये भी कहा गया कि मोदी के मुकाबले क्या आपको लग रहा है कि वो बढ़त बन पाई, वो लीड कर पाए हैं राहुल गांधी आने वाले समय के लिए, और इस यात्रा के जरिए 62 किलोमीटर की यात्रा जब तय की जा रही है तो वो समन्वय बन पाएगा, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, क्या बढ़त बना पाएंगे? हमें तो पूरी उम्मीद है कि लोग जागृत होंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, और कहते हैं ना कि बड़ा पुराना सा शेर था जी, कि कुछ देर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, जो बात सुनी ना आंखों से वो बात जबानी देंगे। तो बिल्कुल, जबान कितनी हो पाएगी और सफल कितनी हो पाएगी यात्रा, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी बातचीत करने के लिए। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा होने वाली है।